श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सिंह राशि वालों का 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई का दिन कैसा बीतेगा। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या बदलाव होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले 3 दिनों का उपाय है, जिस उपाय को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला समय बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, एस्ट्रो फॉर यू को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दें और वीडियो को आप सुने। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में। आप में से जो भी लोग नशा पान करते हों, धूम्रपान करते हों, शराब का सेवन करते हों, तंबाकू का सेवन करते हों, या फिर इसके अलावा आप कोई और भी नशा करते हों, तो आने वाले दिनों के दौरान आप नशा पान को त्याग दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। और अगर आप नशा पान का त्याग नहीं करते हो तो आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा और इस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जिस काम को करने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति मिले, आप वही काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। वैसे अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे सही रहेगा। आने वाले दिनों में अगर आप कहीं भी धन संपत्ति का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ देगा, लेकिन जिस फील्ड में आपको निवेश करना हो उस फील्ड के एक्सपर्ट से आप मुलाकात करें और सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप धन संपत्ति का निवेश करें। यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आप निवेश करते हो तो आपका पैसा डूब जाएगा और इस वजह से आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार होगा। इन दिनों से पहले अगर आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध कमजोर हो गया था, खराब हो गया था, तो आप अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि इस काम को करने में आपका भाग्य, आपका समय, आपका सपोर्ट अवश्य करेगा। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा। आने वाले दिनों में अगर अपने घर परिवार में आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बदलाव करने से पहले आप अपने घर वालों से विचार करें और घर वालों से विचार करने के बाद ही आप कोई परिवर्तन करें। यह आपके घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है।
मित्रों, आने वाले समय से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई वादा किया था, कोई प्रॉमिस किया था, और अगर अपने वादे को आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने वादे को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके प्रेम संबंध में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय सही रहने वाला है। आने वाले दिनों में अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ देगा, लेकिन नए काम को शुरू करने में आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले दिनों में किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। आने वाले दिनों के दौरान आप डेली बजरंग बाण का पाठ करें, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, एस्ट्रो फॉर यू को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।